की मांगे पूरी नहीं हुई तो पारा शिक्षकों ने फिर से आंदोलन का दी चेतावनी। सभी जिम्मेवारी सरकार की होगी, समस्या को जल्द से जल्द निकालन नहीं किया जाता। जी हां, आपने सही सुना, पारा टीचर का कहना है कि हमारे पास जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द हटा दीजिए, नहीं तो उसको निकालन कर दीजिए, ताकि हम आंदोलन के लिए दोबारा नहीं खड़ा हो सकते हैं। आंदोलन करना की सोच नहीं है, हमारा जो भी परेशानी है उस परेशानी को सरकार से विनती है कि इस परेशानी को जल्द से जल्द हटा दीजिए। अगर आप हमारी परेशानियों को नहीं हटा सकते हैं, अगर हमारी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आज से जो आंदोलन स्टार्ट होगा वो बहुत ही खराब आंदोलन होगा, क्योंकि हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि पारा टीचर फिर से आंदोलन किया जा रहा है, और कब होने वाला है, कब से होने वाला है, वो सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर में आपको बताया गया है, कब डेट का होगा, कब नहीं होगा, पारा टीचर कब इन्फॉर्मेशन दिया है, तो सारा इस वीडियो के अंदर में है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि पारा टीचर के हक के लिए हम कभी भी खड़े हैं, तो इसकी जिम्मेदारी होगी। तो चलिए आप बना लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों की समस्या का निवारण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी मिला है। पंडोरा प्राथमिक शिक्षा संघ तरफ में सोमवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा को संबोधित ज्ञान पान बीओ को सौंपा गया है, जिसमें विभाग के तरफ से उपलब्ध कराया गया है टेबलेट और की संक्रिया करने के लिए सरकारी सिम कार्ड उपलब्ध कराने, और शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारी की भर्ती पर कैलेंडर वर्ष में 31वां दिवस की उपस्थित अवसर प्रत्येक माह की तिथि शनिवार तथा अधिक कर्मी का अवस्थ समेत अन्य मांगों को पूरा करने का मांग की। शिक्षा के नेताओं ने चेताया कि इस उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जी हाँ, आपने से सुना, अगर पारा टीचर का मांगे पूरी नहीं किए जाए तो बड़े से बड़े नेताओं पर जाकर उसकी मांग को पूरा किया जाएगा, नहीं तो इसका आंदोलन फिर से जारी कर दिया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष अनूप सिंह ने कहा है कि बेसिक शिक्षक प्रसिद्धित विद्यालय के विभाग के तरफ से उपलब्ध कराया गया है टेबलेट के माध्यम से विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उपस्थित और मध्यम भोजन का सूचना ऑनलाइन भेजने का दावा विभागीय अधिकारियों द्वारा डाला जा रहा है। विभाग अधिकारियों शिक्षा के मध्यस्थता व्यवहार के कीमतन रोकने जैसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि विभाग के तरफ से केवल टेबलेट उपलब्ध कराया गया था, लेकिन टेबलेट की संक्रिया करने पर सरकारी सिम उपलब्ध नहीं कराया गया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारी शिक्षक को अपने व्यक्तिगत आईडी माध्यम से सिम कार्ड करने के लिए दावा बना रहे हैं, यदि नियोजित नहीं है तो इसके दौरान मोहद्दीन अली आदि मौजूद थे। फाजी नगर में प्रतिनिधि अनुसार प्राथमिक शिक्षा के संघ तरफ पर महानिवेशन को संबोधित दो सूत्रों में मांगा कर बीआरडी के मुकेश नारायण मिश्रा सौंपा गया है। ब्लॉक अध्यक्ष शासन पांडे, महामंत्री परिषद अली और अगुवाही में बीआरसी परिषद पहुंचे। शिक्षक ने कहा कि सरकार को तरफ ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने के लिए टेबलेट तो दे दिया है गया है, लेकिन उसे चलाने के लिए सिम कार्ड नहीं दिया गया है, इससे शिक्षक की काफी परेशानी हो रही है। इस दौरान शिवशंकर पांडे, अशोक गुप्ता, संजय कुमार, सुमन दारू अंसारी, उमन सिंह, उमर फारू, नेहा जयसवाल, बबीता गौड़ा, मुस्लिम अली, संजय यादव, प्रियंका सिंह, लक्की चौहान, गुड़ा देवी, सजाद हुसैन, अजीत मौजूद थे। कसिन प्रतिनिधि अनुसार अध्यक्ष के सुरेश प्रसाद रावण ने मंत्री नीरज कुमार श्रीवास्तव से अगुवाही एक पत्र हुई। शिक्षक ने कहा कि सरकार के तरफ से प्रबंधिया कराए गए टेब संक्रिय के करने से 31 दिन का उपस्थित अवश्य हर माह दूसरे शनिवार को आवश्यक तथ्य और संकृत अवश्य भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षकों ने चेताया कि यदि उसकी मांगे पूरी नहीं हो तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान दीपेश कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, सत्येंद्र, अन्य लोग, मधुलिकता तिवारी, अन्य लोग यहां पर सारे मौजूद थे। सरकारी सिम कार्ड देने की मांग की है। तामकुरी रोड में सेविकी ब्लॉक के प्राथमिक शिक्षा के सोमवार को सरकार की ओर से स्मार्टफोन का इस्तेमाल के लिए नेट पैक की
मांग की। बायोमेट्रिक हाजिरी की विरोध करते हुए प्राथमिक शिक्षा के संघ जिला अध्यक्ष अविंदर कुमार नेत्रन में शिक्षा महानिवेशक के संबोधित मांगा पत्र बीआईडी में सौंपा। शिक्षकों ने कहा है कि तथा उनकी मांगे पूरा नहीं हुई तो आंदोलन की ओर से तेज की सभी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान सेवरिक ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, अनिल सिंह अध्यक्ष, अजय कुशवाहा, सुमित वर्मा, अजय कुशवाहा, श्रवण हुसैन, मंतोष सिंह, संदीप अरुण, राजेश सिंह, महिमा मिश्रा, रवि प्रकाश सिंह, बिट्टू देवी, डोला प्रसाद, किरण सिंह, आदित्य मिश्रा, रविंद्र राम, छोटे लाल प्रसाद, ओम प्रकाश, गौरव, उपेंद्र सिंह, संजय सिंह और मौजूद यहाँ सभी पारा टीचर थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी पारा टीचर के साथ वीडियो को शेयर कर दिए ताकि सभी पारा टीचर के लिए बहुत बड़ी खबर लेके आ चुका हूं। तो जितना जितना पारा टीचर के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई रिलेटेड सवाल या जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। तो चलिए, आज के लिए तो ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।